Hey guys, this is Chinmay and welcome back to my channel. तो आज हम लोग जा रहे हैं पहलगाम और रास्ते में यहाँ पे केसर का प्रोडक्शन होता है तो वो हम आपको दिखाएंगे और जो कश्मीरी एप्पल कश्मीरी सेब होता है वो भी दिखाएंगे. तो चलिए चलते हैं देखते हैं. सो गाइज, आप ये जो पीछे मेरे देख रहे हैं ये है केसर का खेत. यही वो जगह है जहाँ पे केसर का कल्टीवेशन होता है. तो अभी जावेद जी हमको बताएंगे ये कैसे कल्टीवेशन होता है और इसके बारे में. कश्मीर में एक ही जगह है केसर के लिए जो सबसे अच्छा है, माना जाता है, सफरन फील्ड्स. उस जगह का नाम है लतपोरा. ये केसर की खेती है पूरे कश्मीर वैली में. यही एक जगह निकलता है केसर, क्योंकि यहाँ का सॉइल जो है टोटली डिफरेंट है. और ये सॉयल में एक खाली ये एक महीने के लिए निकलता है, ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ महीना, मगर मैक्सिमम है एक ही महीना. इसी में बीज उगोते हैं. ये मूली जैसा इसका बीज होता है, जो इसका टाइम होता है अगस्त सितंबर में ज़मीन में लगाने के लिए. तो फिर ये 15 अक्टूबर के बाद ही निकलता है, लेकिन बारिश की बहुत ज़रूरत है इसको. और ये फूल निकलता है और फूल के अंदर होते हैं 6 पीसेस, 3 होते हैं रेड, 3 होते हैं येलो. जो ओरिजिनल केसर है वो रेड वाला है और येलो वाले ये लोग पहले फेंक देते थे. फिर लोग आते थे बाहर गांवों से, शहर से उठाने के लिए, और ये बेच उसके ऊपर कलर करते थे येलो वाले के ऊपर, तो बेचते थे ओरिजिनल सैफ्रन. और मकई का ऊपर का छिलका काटते थे तो उनको पता नहीं था पूरा. जिनकी खेती है अब वो ऐसा नहीं करते हैं, वो इसको फेंकते नहीं हैं, अपने पास रखते हैं. अब कोई इसको मेडिसिन के लिए ले जाते हैं. ये फूल जो है, फूल के अंदर आप देख सकते हैं इसमें 6 पीसेस है, 3 येलो है, 3 रेड है. रेड वाला ओरिजिनल है, येलो तो इसका बस ये खाली है देखने के लिए, बाकी कुछ नहीं. लेकिन ये जो फूल है, और कश्मीर वैली में ये सब प्राइवेट लैंड है, ये कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है. जिनकी खेती है यहाँ के गाँव वालों को, वो उनकी अपनी. और 15 इनमें ये बराबर लगातार तब तक खबरदार रखते हैं, इस पर टेंट भी लगाते हैं रहने के लिए जब तक केसर होता है, क्योंकि इनकी यही कमाई, साल में एक बार निकलता है ये केसर. और फिर ये उठा के, अब इसका टाइम आया, देखो बहुत सारा, अभी तो बहुत कम हो गया ये, तो अब उठाने का टाइम आया है. ये भी इनके पास खुद का शॉप्स है, फिर उसमें रख के ये बेच देते हैं ये केसर यहाँ का. लेकिन है ओरिजिनल, इसका बराबर 100% प्योर और बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डुप्लीकेट वाला है नहीं. लेकिन इस खेती में ये आप फूल देख सकते हैं, पूरे कश्मीर वैली में यही पे केसर निकलता है. ओके, तो ये फूल को मतलब प्लग करके कैसे कैसे बेचते हैं इसको? इसको पहले इनकी फैमिली आती है, ये एक का काम नहीं है. जैसे फैमिली में है 4 मेंबर, 5 मेंबर, जितनी भी फैमिलियाँ हैं सब आते हैं, चाहे मर्द हो, औरत हो, छोटे बच्चे हो, लड़कियाँ हो. तो वो उठा के टोकरियाँ उनके पास होती है, बड़ी बड़ी टोकरियाँ, यहाँ से उठा के ऐसे नीचे हाथ लगा के इसको यहाँ पे यहाँ से उठा के टोकरियों में रखते हैं. तो जमा करके फिर ये एक जगह डेरे में रखते हैं किसी वाइट क्लॉथ के ऊपर, कपड़े के ऊपर. थोड़ा सुखाने के बाद, इसको फिर हाथ से ये थ्रेड्स निकालते हैं, रेड अलग करते हैं, येलो अलग कर देते हैं. फिर उसको सुखा के बेचते हैं, फिर उसको सुखा के फिर अपने शॉप्स में रखते हैं बेचने के लिए. तो अभी ये रेडी है प्लग करने? बिल्कुल 101% ये रेडी है. तो अभी जावेद जी बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट. अभी हम रुके हैं एक ड्राई फ्रूट शॉप पे, जहाँ पे कहवा बनाते हैं, ओरिजिनल कहवा, कश्मीरी कहवा. और कहवा बनता है एक टी पॉट में, जो कश्मीर का बहुत फेमस टी पॉट है, उसको कहते हैं समावार. समावार के अंदर एक वो राउंड वाला, राउंड शेप का है, उसके अंदर एक होल रहता है बीच में, जिसमें चारकोल डालते हैं और राउंड में एक पानी रहता है और उसके ऊपर ढक्कन रहता है. वो हम अभी दिखाएंगे आपको समावार किसको कहते हैं, वो भी आपको इस पर दिखाएंगे. और दूसरे उसके बाद वो कहवा बना के उसमें ड्राई फ्रूट मिक्स डालते हैं, केसर डालते हैं और शहद डालते हैं.
यहाँ पे शक्कर कम का डालते हैं कि शहद ज़्यादा डालते हैं, शहद से थोड़ा मिठास आता है, और ड्राई फ्रूट्स मिक्स होता है, और केसर का जो वो डालते हैं, और जो कहवा का मिक्सचर होता है वो बना के रहता है हमेशा, और उसमें वही डालते हैं तो कहवा तैयार होता है, लेकिन ऑरिजिनल। फिर उसके बाद जाएंगे हम ड्राई फ्रूट शॉप पर, जहाँ पे हर एक किस्म का ड्राई फ्रूट है, केसर है, वॉलनट है, आमंड है, किशमिश है, जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स है उसमें वो सब है। ये है कश्मीरी समोवार, इसके बारे में हम कहते थे आपको समोवार में हम बनाते हैं। ये देखिए मैम, ये सर कावा, ये जो बीच की पाइप है ना सर, इसमें रहता है चारकोल, चारकोल की वजह से पाइप हीट हो जाती है, पाइप की वजह से कावा हीट हो जाता है। इस कावे में जाता है सर 11 वैरायटीज। देखिए सर, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, केसर, रोज पेटल्स, मीठा सौंफ। इधर बनता है सर रियल कावा कश्मीर का। देखिए सर, यह प्लेन कावा, ठीक है, इसके ऊपर डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, कश्मीरी आलमंड्स। अब ये धीरे 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 ऑयल छोड़ेंगे इसमें सर, जब आप कावा पियोगे ना तो अलग सा टेस्ट आएगा। तो ये है कश्मीरी कावा, इसमें हनी है और ड्राई फ्रूट्स है, और आपको दिखाया उन्होंने कैसे बनाते हैं, तो इसको पी के देखते हैं कैसा लगता है। बहुत अच्छा है, कश्मीर के ठंड में दिस इज अमेजिंग। ये देखिए, ये हो गया केसर, देखिए स्मेल, इसको बोलते हैं मुंगरा। ये हो गया केसर का फूल, ऐसा होता है ये रूट के साथ ही होता है। ये हो गया रूट के साथ, ये हो गया, ये इसको बोलते हैं लच्छा। लच्छा को ड्राई करना पड़ता है, हाँ लच्छा को ड्राई करना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है हाथ से, हाथ से कटना पड़ता है। तो जो रूट है उसको निकल के अलग करना है, और ये हो गया पहले ड्राई करना पड़ता है। ओके, तो ये पहले ड्राई करना पड़ेगा आपको, फिर इसको ये रूट अलग निकालना पड़ेगा, ये रूट अलग निकालना पड़ेगा। हाँ ये अलग, ये हो गया अलग, ये इसको मोंगरा बोलते हैं, ये मोंगरा है, इसको मोंगरा बोलते हैं, मोंगरा मोंगरा के साथ लच्छा बोलते हैं, लच्छा बोलते हैं। तो मोंगरा को ड्राई करने के बाद मोंगरा अलग होता है या ड्राई करने से पहले? नहीं नहीं, पहले इसको ड्राई करते हैं, फिर इसको हाथ से अलग करना। जमींदार केसर किंग दुकान है, तो क्या क्या वैरायटी मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर मिलता है अखरोट, हमारे पास अखरोट, बादाम मिलता है, बादाम, शहद मिलता है, हनी, हनी मिलता, बहुत सारे आइटम हमारे पास। तो पूरा का पूरा जो बोलते हैं ड्राई फ्रूट और हनी और केसर का पूरा का पूरा जो ओरिजिनल फॉर्म है, ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक फॉर्म है, वो भी आपके पास मिल जाता है। सब कुछ आप मतलब ऐसे एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब किसी को भेजते हैं? हम कोई आपको कांटेक्ट करे तो आप भेजते हैं? एक जंगल का एक मशरूम होता है, जंगल का मशरूम, उसको मोरल बोलते हैं, मोरल, मोरल, लाइक दिस, लाइक दिस मशरूम होता है, मतलब इसको गुच्छी बोलते हैं, गुच्छी, हाँ गुच्छी। ये भी एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है, एक्सपोर्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव, मतलब रेट इसका है 30,000 पर किलो, 30,000 पर किलो। तो इसका मतलब कैसे बनाते हैं इसको? इसको चावल में डालते हैं, सब्जी भी बनाते हैं इसको, हाँ जैसे मशरूम बनता है, बनाता है। जैसे कश्मीर में शादी वादी होती है ना, एक डिश ये भी बनाते हैं। तो और एक चीज़ है जो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपका ये सामान है, कोई आपका कॉन्टेक्ट नंबर देके आपको कोई भी यहाँ से भेजूंगा, आप भेज सकते हैं, हमारा होम डिलीवरी मेरा वो कॉन्टेक्ट नंबर है, तो यहाँ से भी आपको भेज दूंगा। तो आप कहाँ कहाँ सप्लाई कर सकते हैं? मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में आप सप्लाई कर सकते हैं? ओके, सही है। तो अभी ये ड्राई फ्रूट है, इसमें बादाम, मामरा भी है, कैनबेरी है, ब्लूबेरी, प्लम है, अखरोट भी है, ये वाला, ये हो गया मैडम अखरोट, ऑर्गेनिक शाल के साथ, ये काट दिए, एक हाथ से तोड़ना बस, बस बस। तो कश्मीरी आलमंड और कैलिफोर्निया आलमंड का डिफरेंस क्या है? एक तो ये होता है, ये अलग अलग साइज का होता है, यहाँ पर अलग अलग पेड़ का होता है, और इसमें तेल ज्यादा होता है हमारे बादाम में, इसमें कितना तेल निकलेगा, इसको खाली दबाओ सारा तेल बाहर आएगा, ठीक है, इतना तेल है, ऑयल। हाँ यहाँ पर कैनबेरी है, ब्लैकबेरी है, ब्लूबेरी, प्लम है। जमींदार केसर किंग दुकान है,
जो आपको श्रीनगर से पहलगांव के बीच रास्ते में आ जाएगा आपको। हमारा पैकेट आता है 20 ग्राम का, ये 20 ग्राम का पैकेट है और ये है 50 ग्राम। कितना? 50? हाँ 50 ग्राम। कितने दिन रहेगा ये? 3 इयर्स तक। 3 इयर्स तक रह सकता है? हाँ, 3 साल तक। इसको रेफ्रिजरेट करना पड़ता है बाहर? नहीं, ड्राई करना है, ड्राई जगह पर रखना, ड्राई जगह। और ये है 5 ग्राम। चेरी है ना? चेरी। इलायची, वॉलनट, वॉलनट क्रैनबेरी, चेरी, क्रैनबेरीज, आलमंड्स, वॉलनट। ब्लूबेरी और ये यहाँ का गुलाब जल जिसमें ये सैफ्रन मिला हुआ है। जमींदार केसर। अभी हम खड़े हैं ठीक एप्पल गार्डन जो है ना उसके बगल में। मेरे राइट साइड में एप्पल गार्डन है और उधर देखिए एप्पल पूरा ट्रीज में है। ये गाइस देखिए, ये है पूरा एप्पल का गार्डन और आप देख सकते हैं जैसे मेरे पीछे एप्पल्स। वाओ, मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मैंने एप्पल पेड़ में देखते हुए एंड इट इज अ लवली एक्सपीरियंस। ये हम पहलगांव जाते टाइम ये आपको एप्पल का जो गार्डन है आपको रास्ते पे ही मिलता है और यह अब जो व्यू है उसको एंजॉय कर सकते हैं। सी दिस इज आवर फर्स्ट ग्रेड एप्पल सर। योर फर्स्ट ग्रेड एप्पल? या वी यूज्ड टू एक्सपोर्ट दिस टू ओवरसीज मार्केट लाइक यूएई, सऊदी अरब। दिस वन इज अ फ्रेश ग्रेड वेरिएंट सर। इट विल रिमेन फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये 6 मंथ्स के लिए रहेगा अगर आप इसको स्टोर करेंगे। ये हार्ड स्टफ रहेगा, पूरा जूसी होगा, क्रिस्पी होगा, पूरा डिलीशियस है ये। ओके, तो कैसे स्टोर करना है, कैसे रहता है? स्टोर आप इसको माइनस टेम्परेचर में डाल सकते हैं, माइनस 0.5 में इसको डाल सकते हैं या माइनस 1 में डाल सकते हैं। ये आपका स्टोर रहेगा और अगले साल ये आपको अप्रैल मई तक ये आपको खाने को मिलेगा, फ्रीजर में डाल लेते। राइट। और ये वाला वेरियंट अपना इंडिया में नहीं जाता है, ये सर ओवरसीज जाता है। ये गुजरात से होके सीधे ये गुजरात से होके सीधे पोर्ट से होके जाता है ये आगे ओवरसीज लाइक यूएई, सऊदी अरब। अपने पास जो सेकंड ग्रेड है वो हम इंडियन मार्केट में एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, दिस वन इज नोन एज रेड लाइनर डिलीशियस। रेड लाइनर डिलीशियस। सो व्हाट द कॉस्ट ऑफ दिस? इट विल कॉस्ट, इफ यू विल प्लक दिस एप्पल्स फ्रॉम द ट्रीज, इट विल कॉस्ट 200 रुपीस पर केजी। ओके, एंड इफ यू आर टेकिंग दिस वन वेरिएंट फ्रॉम द स्टोर it will cost only 150 rupees. Okay, the difference of the costing is because this fresh is the this is the fresh, this is the fresh one and that one we have plucked before 5 days. Okay. that one variant is 5 days old. Okay, and you will get little bit less taste in that very variant. Okay, isme aapko zyada taste mil jayega, ye fresh hai.